क्या योगी आदित्यनाथ के बजट में अब उत्तर प्रदेश में 4 लाख प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी? इस बजट ने किसान, नौजवान, व्यापारी सबको निराश किया है, ये कुल झुंझुना है। इस देश के लोग जानना चाहें कि काला धन पर आपने क्या करा। तो सरकार ये जानती है कि बड़े जिनके पास रिफाइनरी हैं उनको सरकार फायदा पहुंचाती है। क्या उनके बजट में उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन होगा? जो बजट के मानक होने चाहिए वो पूरी तरह से सरकार उस पर फेल है। कोई बजट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी जुमला है। जिन संकल्पों के साथ नरेंद्र मोदी की इस देश में सरकार आई थी, क्या ये अपना 8वां 9वां जो सरकार बजट पेश कर रही है उन संकल्पों पे बात हुई? अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर इस देश के लोग जानना चाहें कि काला धन पर आपने क्या करा, आपने गिरते हुए रुपया मूल्य पर क्या करा, आपने बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पे क्या करा, तो सब जो विकल्प हैं और सब जो बजट के मानक होने चाहिए वो पूरी तरह से सरकार उस पर फेल है। जो नए इंफ्रा भी बन रहे हैं तो इंफ्रा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार एक उद्योगपति की पोषित सरकार है, और जो इंफ्रा भी बनेगा सरकार उस इंफ्रा को, उस मूलभूत ढांचा को उस उद्योगपति के यहाँ गुलामी में बेच देती है। तो ये सरकार, जो सरकार नव सृजन रोजगार के लिए बजट में 1 रुपया नहीं है, मध्यम लोग जो हैं, जो डीजल पेट्रोल की आए दिन कीमत बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमत को लेकर कई बार सरकारों में ये बात किया गया कि हम उसको जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे, नहीं लाई, चूंकि सरकार ये जानती है कि बड़े जिनके पास रिफाइनरी हैं उनको सरकार फायदा पहुंचाती है, और रिफाइनरी के लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सरकार को इलेक्टोरल बांड देते हैं। ये रिपोर्ट है कि इस देश का 85% इलेक्टोरल बांड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों जाता है भैया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों जाता है? तो ये सब सवाल है। सरकार, आम लोग जो है सरकार से उम्मीद लगाई हुई थी कि कहीं ना कहीं जो ये बजट आएगा इस बार बजट जो है आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आप बजट का समग्रता से अध्ययन करिए। इस देश का गरीब जानना चाह रहा है, नौजवान जानना चाह रहा है, जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं, जो लोग जितने कैलिवर से उनके क्षमता में नौकरी मिलनी चाहिए, जिसको 10,000 की मिलनी चाहिए वो 2,000 रुपये पे नौकरी कर रहा है, तो हालात खराब है। जो सरकार का पूरा संकल्प सिर्फ सरकारों को तोड़ने में हो, आज संजय सिंह ने सच बोला, उनको जेल में भेज दिया है। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के पूरे देश में कम से कम लाखों कार्यकर्ता जेल में हैं, क्यों हैं? जो लोग सवाल खड़ा करेंगे उनको समूल रौंदा जा रहा है। तो ऐसी सरकार से आप किसी तरह के भी सार्वजनिक हित की और देश के हित की उम्मीद नहीं कर सकते, ये गुलाम सरकार है। धन्यवाद। लास्ट सवाल है, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश का भी बजट जो है आने वाला है, उसमें क्या कहें? उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश में रोज देखिए ना, जो मुख्यमंत्री देश के अपने प्रदेश के सदन में कहते हो कि 31 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ निवेश आया है, वो मुख्यमंत्री अपने यहाँ संविदा कर्मियों को वेतन तक नहीं दे पा देते हैं, तो उनका कौन सा बजट आएगा? क्या उनके बजट में उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन होगा? क्या उनके उनके बजट में सड़कों से शाण हट जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ के बजट में अब उत्तर प्रदेश में 4 लाख प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी? क्या योगी आदित्यनाथ के बजट में अब दलितों, पिछड़ों को, जो उत्तर प्रदेश के जितने स्टेट विश्वविद्यालय हैं उसमें हाशिए पे लगा दिया गया, उनको उनका प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित होगा? ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ जुमला है और उद्योगपतियों की पोषित सरकार है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता थे, जो कि बजट को लेकर हमने बात किया, आज केंद्र सरकार की बजट जिस तरह से यहाँ पेश हुआ, और इसके बाद से 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, तो इन दोनों चीज़ों पे बातचीत किया गया। बजट में साफ तौर से यही कहना है कि जो बजट आ रहे हैं, जो लोगों की भलाई के लिए, एक बात जो होना था कि लोगों को कहीं ना कहीं बजट से फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा ये आम लोगों से भी हम जानेंगे। फिलहाल जिस तरह से अभी सपा कार्यालय पे हैं, सपा कार्यालय पे जो प्रवक्ता हैं वो क्या उनका कहना है, मैंने आप तक पहुँचाया, अब देखते हैं आम लोग इस विषय पर क्या कहते हैं। देखिए, हमारे साथ अरविंद जी हैं, क्या कहेंगे भैया, बजट भी आ जा रहा है केंद्र सरकार का, तो ऐसे में 2024 का चुनाव देख के बजट को क्या कहेंगे? इस बजट ने किसान, नौजवान, व्यापारी सबको निराश किया है, ये कुल झुंझुना है, और किसानों का देश है, नौजवानों का देश है, यहाँ नौजवान की बात, किसान की बात होनी चाहिए, लेकिन चिंता न करें लोग, 24 का चुनाव आ रहा है, जनता इसका जवाब देगी। उत्तर प्रदेश का 5 तारीख को आ रहा है, 5 फरवरी को, उसमें आप क्या कहेंगे? 5 को आइए, फिर 5 को बात करते हैं। आज केंद्र का है ना, इससे निराशाजनक बजट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरह से कल 16 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, तो उसको कांग्रेस जो है नकार रही है, उस लिस्ट को। कांग्रेस के जो शीर्ष लीडरशिप है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही है, बीच में किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
अखिलेश जी बड़े मन के नेता हैं, उन्होंने कह दिया गठबंधन रहेगा और गठबंधन चलेगा। वो लोग कह रहे हैं अगर गठबंधन रहेगा तो इस लिस्ट को फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। हमने कहा जब नेताओं की बात चल रही है तो हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह गोप थे जो कि बाराबंकी से आए हुए हैं और सपा कार्यालय पे हैं, और किस तरह से बजट को लेकर हमने बात किया और जो लिस्ट है उससे कांग्रेस नाराज है उस लिस्ट से, उस पर भी बात किया, लेकिन साफ तौर से यही कहना है कि जो बड़े नेता है इस पर बातचीत चल रहा है, उस लिस्ट में क्या होगा और आने वाले और भी जो लिस्ट बनेंगे उस पर किस तरह से देखा जाएगा, ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।